हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ वो अट्रैक्टिव भी काफ़ी दिखता है। इसे हम घर में कई तरीके के पौधे लगाते हैं और हमें उनकी केयर के बारे में पता ही नहीं होता। तो आज मैं इस प्लांट की सारी केयर के बारे में आपको कैसे करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। इसका नाम है स्पाइडर प्लांट और ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पे हम इसे उगा सकते हैं। इसे कम धूप में भी रखा जा सकता है और फुल मतलब शेडेड धूप में भी रख सकते हैं। हम प्लांट्स के कम समय तक चलने की परेशानी से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हम नर्सरी से ला के उगा तो देते हैं पर वो थोड़े दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये उस परेशानी को तो ख़त्म कर ही सकता है। ये जब हमने एक बार लगा दिया तो ये बस ग्रो होता ही रहेगा। हम इसे अलग अलग गमले में लगाते रहे थक जाएंगे, पर ये अपनी ग्रोथ करना कम नहीं करेगा। ये किसी भी जगह आसानी से लग सकता है और बहुत जल्दी बढ़ता है और ये नए नए बहुत सारे पौधे भी बनाता है। ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है और ये इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये स्पाइडर प्लांट नासा क्लियर एयर स्टडी का हिस्सा रहा था। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन और ट्यूलोनी को हटाने में हवा में सबसे इफ़ेक्टिव है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि स्पाइडर प्लांट एयर से 95% से भी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस को निकालता है। स्पाइडर प्लांट हमारी हेल्थ को तो इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है और साथ ही अपनी सुंदरता से अपने हमारे आसपास के जगह को अट्रैक्टिव दिखाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पॉट में, हैंगिंग बास्केट या फिर नॉर्मल बर्तन में भी आसानी से लगाया जा सकता है। और ये स्पाइडर प्लांट जो मेरे घर में है, इसे मैंने नर्सरी से लाया था और इससे करीब लाए हुए मुझे एक महीना हो गया है और ये काफ़ी अच्छा बढ़ भी गया है, तो मैं इसमें से एक प्लांट को दूसरे पॉट के अंदर लगा रही हूँ। और अगर हमारे घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे होते हैं तो हम इंडोर प्लांट को तो सोच समझ कर ही लाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जानकर खुशी होगी कि स्पाइडर प्लांट पालतू जानवर और छोटे बच्चों के लिए कोई हार्म नहीं करता और ये बिल्कुल भी पॉइजनस प्लांट तो नहीं है, तो इसे आराम से हम अपने घर में लगा सकते हैं, इंडोर या आउटडोर। ये मैंने आउटडोर लगाया हुआ है और जो मैं दूसरे गमले में उगाने वाली हूँ उसे मैं इंडोर रखने वाली हूँ। अपने आसपास एनवायरनमेंट में बढ़ती हुई पॉल्यूशन को देखते हुए हमें इस प्लांट्स को तो घर में लगाना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। ये एयर क्वालिटी को तो इम्प्रूव करते ही हैं हमारे आसपास, तो इस प्लांट को हमें ज़रूर से ही अपने घर में ला के लगाना चाहिए। और इसकी जो जड़ें हैं वो कुछ मकड़ी के जाले जैसे दिखती हैं और आराम से ग्रो हो जाती हैं। से पानी भी हमें मिट्टी छू के देखना चाहिए, जब पानी थोड़ा कम लगे तभी डालना चाहिए। और अगर हम सोचें कि स्पाइडर प्लांट को स्पाइडर प्लांट ही क्यों कहा जाता है, तो ये स्पाइडर जैसा दिखता है यानी कि मकड़ी जैसा, इस वजह से ही इसे स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है। इस स्पाइडर प्लांट को हम रूट से तो लगा ही सकते हैं और इसके साथ साथ इसके बीच में से एक डंडी निकलती है, उसके ऊपर भी ऐसे ही स्पाइडर प्लांट के जैसे ही छोटे छोटे से स्पाइडर प्लांट बन रहे होते हैं, उससे भी हम उसे ग्रो कर सकते हैं। उसमें हवा के अंदर ही उसमें जड़ आने लगती है, जैसे कि मनी प्लांट के अंदर आती है, इसे उस तरीके से भी उगा सकते हैं, उसे कट करके, या फिर स्पाइडर प्लांट को ही हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जो जैसे कि हम लकी बम्बू को ग्रो करते हैं, मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, ऐसे ही हम स्पाइडर प्लांट को भी पानी में ग्रो कर सकते हैं, बोतल के अंदर या फिर हम जो वास्क होता है हमारे पास उसके अंदर आराम से ग्रो हो सकता है ये। और जो इसके ऊपर डंडी आती है उसके अंदर जो स्पाइडर प्लांट लगे होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जब एयर हवा में ही थोड़ी जड़ें दिखने लगती हैं, उसे हम उसे कट करके और उसे पानी के अंदर लगा सकते हैं या फिर मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। पर इसे थोड़े बड़े पॉट में लगाना चाहिए, मैं तो अभी इसे इस छोटे पॉट में लगा रही हूँ पर बाद में इसको दोबारा से मैं दूसरे प्लांट के अंदर उगा दूंगी। अगर आप नर्सरी से ये स्पाइडर प्लांट लाना चाहते हैं तो एक तो ग्रीन वाइट कलर का, जैसा कि आप देख रहे हैं,
ऐसा स्पाइडर प्लांट आता है, और एक डार्क ग्रीन कलर के पत्तों में भी स्पाइडर प्लांट आता है, और एक कुछ थोड़ा छोटा, इसकी तो पत्तियाँ थोड़ी लंबी हैं, पर एक छोटी छोटी पत्तियों में भी स्पाइडर प्लांट आता है, तो आप वो भी ला सकते हैं। और एक दो तरीके की वैरायटी और आते हैं इसकी, वो मैंने अभी तक देखी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।